भैया 50 रुपया मिले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। हो चुके हैं तैयार और रेडी और निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको पहले ही पिछले ब्लॉगों में नहीं बताया, इसलिए आपको बता दें, हम जा रहे हैं मोटू को छोड़ने पंडा खेड़े। फाइनली वो जा रही हैं क्योंकि लगभग उन्हें एक मंथ हो चुका है और अब निकल रही हैं। वहाँ पर शादी वादी है और परिवार में, इसीलिए वो निकल रही हैं और मिलाते हैं मोटू से। देखना है तैयार हो के तैयार हो चुकी होंगी, मिलते हैं। गाइस, सतीश भी रेडी हो चुके हैं और हम लोग जानते हैं थोड़ा सैड वाला मोमेंट है, इसीलिए सब लोग अंदर हैं इस समय और सतीश भी वो घूम रहा है। सोनम तैयार होने की देरदारी है और उसके बाद निकलते हैं पंडा खेड़े के लिए। बुआ के यहाँ थोड़ी देर बाई चांस रुकना पड़ेगा खाकरमो में, वहाँ पर अमरेंद्र रहता है। अमरेंद्र कौन है? विनोद। अमरेंद्र सतीश उन्हें विनोद कहते हैं क्योंकि फूफा जी का नाम है, उनका पर्सनल नाम है। और सतीश ये वीडियो क्लिप काटी नहीं जाएगी और अमरेंद्र तक इसे पहुँच जाएगी और देखना है वायरल वीडियो होने के चांस रहेंगे। गाइस, उन्हें गाड़ी सिखानी थी आज, वो मिस हो चुका है। ये कह रही गाड़ी सिखाओ, लेकिन जा रहा है फिलहाल सोनम दीदी को छोड़ने और सेजल लगभग बाइक सीख जाएंगे एक दो दिन में। और यहाँ पर देखो क्वालिटी कितनी तगड़ी आ रही है यहाँ पर इस समय, और सेजल का मुंह तिरछा लग रहा है इसमें कैमरा में, और सेजल गई है भाग और खाकर मोहगन भैया नशे में। अब हमका तो पता नहीं जा रहा। या 50 रुपया मिले हैं, बर्गर खाए गई। सतीश मुझे आ जा। गाइस पहुंच गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सतीश गए हैं पगलिया, और सतीश का मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये गाना गाया करते हैं। ये मोटो हैं, इन्हें छोड़ने जा रहे हैं, मिलेंगे अभी इनके घर में। हेलो गाइस, क्योंकि उस दिन जब मोटो को छोड़ने गए थे तो उसके आगे हो चुकी थी रात, इसीलिए मैं उसके आगे ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था, नहीं दिखा पाया था। तो आज फाइनली सुना दो कि उसके नेक्स्ट दिन हो चुका हूँ। 2 दिन हो चुके कोई ब्लॉग नहीं आ पाया है क्योंकि और तबीयत भी नहीं सही थी, इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं सिलाई, इसी में इसे ऐड करके ब्लॉग चल। गाइस निकलना है क्योंकि यहाँ चंदा मांगने आए थे, क्योंकि गायों को पकड़वा कर भेजा जा रहा है और योगी के घर और योगी के गौशाला, और वहाँ पर बुलावा आया है और निकलना है हम लोग। ये बाइक आ चुकी है, बाइक में बैठते हैं। गाइस हम लोग अंदर बैठ चुके हैं और निकलना है सिलाई के लिए, और क्योंकि मौसम कुछ अच्छा है इसीलिए फिलहाल कुछ पहना वहना नहीं है। मिलते हैं चौराहे पर जो सेविंग करानी है उसके बाद। हेलो, आ चुके हैं चौराहे पर, हम तो नीचे अंदर ही बैठे हुए हैं और सतीश चला गया संदीप के दुकान पर सेविंग करानी है। अब मैं भी चलता हूँ, निकलता हूँ, दिखाते हैं यहाँ पर ब्लॉग कितना मेरा पड़ा होगा मेरा स्वयं का, और नहीं देखा है तो आज बटन में रियर लाइन चेक क्लिक करके देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अभी दुकान। गाइस सतीश दाढ़ी बनवाने में काफ़ी टाइम लगा कर आ गया था यहाँ पर, और हम जा रहे हैं और रामा सरे भैया की ये लीड है, उसे चकलंसी में उन्हें हैंड ओवर करनी है। और सतीश के 2 यहाँ पर बाल थे, उसे फिर से सही करवाने गया है और रामा सरे भैया वहाँ पर वेट कर रहे हैं बार बार, और देखना है खोगा पूरा बता दिया गया झूठी, और अभी है पावा में और देखना है अभी कितना समय लगता है पहुंचने में क्योंकि फ़ोन वाले अक्सर झूठी बोलते हैं। इस पर वाकई है क्योंकि आज पहली बार मैंने भी ये फील किया कि फ़ोन पर झूठी वाकई में बोल दिया जाता है, क्योंकि आदमी को अच्छा या फिर संतुष्ट करने के लिए
अब निकलने के लिए थोड़ा समय और लगेगा और सिलाई निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ तिलक था आपको बता दिया है। और ये वही वाला ब्लॉग हो गया और सतीश आ चुका है घड़ी लाओ और सतीश लो अपनी घड़ी। गाइस निकल लिया हूँ चौपलंसी के लिए और चौपलंसी में ये उन्हें देना है और उसके बाद निकल रहेंगे रसूलाबाद से। निकलना 8-9 किलोमीटर आगे है सिलाई, वहीं जा रहे हैं और आपको आगे का व्यू दिखा देते हैं। पहुंच चुका हूँ इस समय लोकेशन हम अपन के है मेठी रोड के आगे पहुंच चुके हैं। अब लगभग 11-12 किलोमीटर है पहुंच रहे हैं। शाम तक आने हैं क्योंकि मैच हो रहा, मैच भी देखना है इंडिया वेस्ट इंडीज का हाल है। 5 विकेट हो चुके हैं, सब स्पिनर खो रहे हैं विकेट बार बार उन्हें ले विकेट पता नहीं यार। ये लगभग पहुँचने ही वाले हैं और सतीश जबरदस्ती करने गया है और यहाँ पर ऑफसाइड दिखता है लगता है भी ये चौरा हो रहा है नहीं इसीलिए ऑफसाइड दिखता है। और आपको भी खाते हैं बैठे में टाइम लग रहा है कैसा लग रहा है दिखता है मिलेगी। बच्ची का छूट ना जाए। ये देखो ये है नदी, नदी कौन वाली है सिलाई वाली नदी है पता नहीं, नदी का नाम तो पता नहीं। निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए क्योंकि हो चुकी है बहुत ज़्यादा देर, लगभग बज चुके हैं 7 और क्योंकि टाइम हो गया है क्योंकि जाने में कोई दिक्कत तो थी नहीं इसीलिए रुक के आए हैं। और सतीश भाई भी इसीलिए टाइम लग गया और खावा के मस्त निकल चुके हैं घर के लिए और बहुत मज़ा आया है। और क्योंकि बाहरी वीडियो कहीं शूट नहीं कर पाए क्योंकि आए थे यहाँ पर एक तिलक था इसीलिए और कुछ बाहर दिखा नहीं पाए, सिर्फ अपना ही सफर दिखा पाए कैसे कहाँ क्या हुआ। और मिलते हैं आपको फैमिली और लाइव भी आना है और मिलेंगे आपको। हेलो गाइस, आ चुके थे घूम घाम के और लाइव सेशन को अटेंड किया और सब लोगों को हाय बाय और सब कुछ बोल कर हर बार बल्कि ये ब्लॉग को एंड कर रहे हैं और मोटो वाला ब्लॉग है और इसमें मुझे व्यूअर काफ़ी चाहिए और आप लोगों का प्यार भी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।